ठीक है। और क्योंकि मुझे आशा है, क्योंकि आपने जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो अभी तक तो आप भूल गए होंगे। नहीं, भूलना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो केमिस्ट्री वाले हैं वो तो बहुत दूर तक ले जाते हैं आपको। हम तो बोर के बाद ही नमस्ते कर लेते हैं। बोर के बाद आपको फिर वो क्वांटम नंबर्स पढ़ाते हैं, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाते हैं, फिर वो डम्बल वम्बल बताते हैं। तो बहुत सारी कहानियां वो लोग बताते हैं। हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो बोर तक है, बोर तक में से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। रदरफोर्ड डाल्टन से चालू हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी। और डाल्टन के पहले भी, 1 मिनट में पहले कहानी समझा देता हूँ, एटम की कहानी कहाँ से आई। वैसे तो ऑल दी डिस्कवरीज आर फ्रॉम आवर ग्रेट इंडिया। तो एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताऊं एंशिएंट टाइम की, तो एंड मॉलिक्यूल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1800 एडी से, जब डाल्टन ने हमें बताया था। हम जो प्रेजेंट जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट फिजिक्स में जो एटम के बारे में हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी डाल्टन ने दी थी हमें, वो जानकारी हमारे पास है। लेकिन डाल्टन ने कहां से चुराई थी मैं बताता हूं। हमारे एंशियंट टाइम पर एक ऋषि थे, उनका नाम था कणाद। इस कणाद ऋषि ने एक वैशेषिक सूत्र नाम की एक बुक थी। ये बुक, हम तो पंडित हैं खानदानी, हमारे घर पे रखी हुई है मेरे बाबूजी के पास, वो तो गए, लेकिन बुक है। तो कणाद ऋषि ने इस वैशेषिक सूत्र में पहले, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। होता क्या था कि पहले एंशियंट टाइम पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था वो हमारे जीवन से रिलेटेड करके पढ़ाते थे, क्योंकि लोग पहले इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज के दुनिया में तो हर आदमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में केवल कुछ ही बच्चे होते थे जो राजाओं के होते थे या ब्राह्मणों के होते थे या कुछ और जो सैनिक वगैरह, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा जानकारी, मैं जाना भी नहीं चाहता उसमें। तो जो बड़े लोग होते थे उन्हीं के बच्चे पहले पढ़ा करते थे और वो भी गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे। पहले ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना कोई ऐसा डिवाइस थी जो जो लिख सके। तो पहले बच्चे जब जाते थे हर चीज को कंठस्थ किया करते थे, गुरुजी बोलते थे और बच्चे उसको याद कर लेते थे। तो जितने भी चीजें थी पहले याद की हुई थी, ये जो जितने भी शास्त्र आप लोगों को दिख रहे हैं, ये तो जब द्वापर युग खत्म हो गया उसके बाद में महर्षि वेदव्यास ने ये सारी चीजें लिखी है, क्योंकि उनको लगा कि उनको लिखने का ज्ञान हुआ। उन्होंने जो ताम्र पत्र पे लिखे कुछ, तो और कुछ जो है भोज पत्र आता है एक, आप लोगों के घर में अगर दादाजी वगैरह ने कभी रखे हो तो भोज पत्र एक पन्ना होता है उसका, पेड़ पर आता है, उसकी छाल पर लिखा जाता था। जो आंक होता है, आंक होता है ना, जो आंक की स्याही बनाते थे और उस स्याही से कलम से लिखा करते थे भोज पत्र पर। कुछ भोज पत्र के जो ग्रंथ है आज भी हमारे घर में रखे हुए हैं। तो जो ज्ञान है सारा, जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज की उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो मॉडर्न फिजिक्स में दिखाते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो शायद बहुत कम है। और मेरे पास वक्त कम है कि मैं आपको एंशियंट टाइम से लेकर के यहाँ तक की चीजें पढ़ाऊं। मुझे तो मेरे बाबूजी ने जानकारी दे दी थी सारी, कि किस तरह से जब मैं एमएससी कर रहा था उस समय मेरे बाबूजी बोलते थे वो आता क्या है। मैं उनको फिजिक्स का कोई कंसेप्ट बताने की कोशिश करते थे, ये प्लेट था इसको साइड में रख, ये होता है, मैं बताता हूं तेरे को, अब रिलेट कर ले इसको। ऑल दी कैलकुलेशंस, मेरे पिताजी अच्छे ज्योतिषी थे, तो जो कैलकुलेशंस वो करते थे, टिप्स पर कैलकुलेशन कर सकते, जो आज साइंटिफिक कैलकुलेशन से आप लोग करते हो या हम लोग करते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता कि व्हाट वाज द एंशिएंट टाइम, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी दो तीन चीजें बताता हूँ। तो 1800 एडी और ये जो कणाद ऋषि थे ये 250 BC में थे। 250 BC, इसका हिंदी सन भी मुझे अभी याद नहीं है, मैं कभी अगर याद आया तो मैं डालूंगा आपके ग्रुप पर। 250 BC का मतलब आप जोड़ो कितना हो गया, 1800 दिए हो गए, 1800 और 200, 2000, 2050, मतलब लगभग 2050 साल पहले, डाल्टन के लगभग 2000 मान लो, 2000 साल पहले कणाद ने एक वैशेषिक सूत्र लिखा था। उसमें लिखा था उन्होंने कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स से बना होता है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम बोलते हैं मूल कणा नाम, उसको संस्कृत में बोलते हैं मूल कणा नाम।
मूल कणा नाम संस्कृत में उसको मूल कणा, मूल कण, हमारा शरीर मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, मूल कणा नाम, इसका मतलब जिनको आगे हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, मूल कणा नाम। और मूल कण जो हो गए इसका मतलब है कि हमारे जो शरीर के सारे जो गुण होते हैं उन मूल कणों में विद्यमान रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो हमारे फेस आता है या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर आता है कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी मिले थोड़ा सा ही मिले लेकिन हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं चाहे कुछ भी मिले चाहे नेचर मिले चाहे फीचर मिले हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो नजर आते हैं, हमारे हाव भाव ही नजर आ जाएंगे, हमारे बोलने का स्टाइल नजर आ जाएगा, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं टोटी तो कहीं सीधे तो कभी क्या, हमारे मम्मी के हमारे पापा के जो कुछ पार्ट्स हैं वो हमें नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन कणों का ट्रांसफर होता रहता है, मूल कणों का ट्रांसफर होता रहता है, और इन मूल कणों का जो संबंध होता है हमारी आत्मा से होता है। आत्मा अजर अमर है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, आत्मा अजर अमर है और इसको अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वैशेषिक सूत्र डाल्टन ने पढ़ा और डाल्टन ने पढ़ करके कि जो मूल कणा नाम थे इनको, तो अगर मैं बोलूं मूल कणा नाम और इसको बोलूं एटीएम है आत्मा, तो इस मौलिक मूल कणा नाम से उन्होंने क्या बना दिया मॉलिक्यूल, और एटीएम से बना दिया एटम। आपने देखा होगा अगर आप डिफरेंट तरह की इंग्लिश देखें, कनाडा की इंग्लिश अलग तरह की है, जर्मनी की अलग तरह की, अमेरिका की अलग तरह की, रूस की अलग तरह की है, और वो जो वर्ड्स होते हैं तो वहां जो एटीएमए का जो मतलब होता है वास्तव में वो एटम ही होता है, उसी को वो इस लैंग्वेज में एटम बोलते हैं। वो मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करके आपको इंग्लिश बता रहा हूं, अदरवाइज सच्चाई तो ये। तो अगर हम सोचें कि डाल्टन का गाना गाते हैं वो हमारे कांग्रेसवाद हमारे यहाँ रहा है हमेशा, और हमारे जो नेताओं ने हमारे देश के साथ हमेशा गद्दारी की है, हमारी सही स्थितियों को बताने के बजाय आप देखिए किसी भी साइंस में विकिपीडिया पर जाकर देखिए तो डाल्टन से बताएंगे कि 1800 में जाकर के आपके एटम या मॉलिक्यूल की खोज हुई, करेक्ट है। तो चलो ठीक है, अब जो है वही पढ़ाना पड़ेगा, हमारी भी मजबूरी है। तो लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें एटम का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत पहले से पता था। डाल्टन ने क्या बताया मैं आपको बताता हूं, डाल्टन ने ये बताया कि कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उस मैटर को अगर मैं तोड़ता जाऊं, मैंने एक बार खानदान बताया था मैटर का खानदान बताया था कि मैटर दो तरह का होता है, ठीक है, एक रिजिड और एक तो रिजिड बताया था और क्या बताया था, एक नॉन रिजिड बताया था, ठीक है। फिर नॉन रिजिड मैंने बताया था प्लास्टिक और इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक को छोड़ दें प्लास्टिक पर आ जाएं, प्लास्टिक को फिर तोड़ा अपन ने, मैंने पूरा खानदान बताया था। तो हम कितना भी तोड़ते जाएं इसको आखिरी में जो बचता है वो मॉलिक्यूल्स बचता है, और मॉलिक्यूल्स का भी जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एटम बोलते हैं। और डाल्टन ने बताया कि उस एटम में उस सब्सटेंस का सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। आप लोगों को जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है, उस समय वो एटम से रिलेट करते हैं कि इसका एटम ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसके एटॉमिक नंबर ये है, इसका एटॉमिक मास ये है, और इस एटम में उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है कि वो सारी चीजें होल करके रख देता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगी या घटेगी, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, या इसकी एक्साइटेशन बढ़ेगी या घटेगी, उससे रिलेट करके हमेशा बताते रहे, आप सोचिए ध्यान से, ठीक है। तो ये सब बातें इसने एटम ने यहां से बताई हमें। जो एटम का ठीक सा जो सबसे पहले जो प्रारूप दिया, डाल्टन तो एटम का प्रारूप नहीं दे पाया, लेकिन एटम का जो प्रारूप दिया वो दिया किसने, थॉमसन ने। थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था। ये थॉमसन किस पर काम कर रहा था, कैथोड रेज पर काम कर रहा था। थॉमसन कैथोड रेज पर काम कर रहा था और कैथोड रेज पर काम करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते इसने बहुत सारी चीजें देखी। इसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर था ये वैक्यूम पंप से घटा दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहां पर जो एक एनोड होता था, ये एनोड है ये कैथोड है, इनके बीच में बहुत हाई वोल्टेज को उन्होंने लगाया, बहुत हाई वोल्टेज लगाया एनोड और कैथोड के बीच में। तो उसने देखा कि यहां से जो कुछ रेज निकलती है इसमें से निकलती है, तो यहां पर एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जाकर के वो कुछ फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करती है, ये ZnS का, जिंक सल्फाइड का। आप लोगों को ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, मुझे हमारे फिजिक्स में नहीं है, पहले हम भी पढ़ाते थे इन सबको, E/M/Thomson method, Millikan-Weierstrass method, तो उसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा।
ठीक है। तो उसने देख, ये जब इसकर पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो कैथोड की जो कैथोड किरणों, कैथोड किरणें क्या है, कैथोड रेज, इस कैथोड रेज की जो डिस्कवरी की इसने थॉमसन ने की, इसका पूरा नाम था जे.जे. थॉमसन। ये जे.जे. थॉमसन इसके ऊपर वर्क कर रहा था और उसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाले। ये जो कैथोड रेज थी वास्तव में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। आप लोगों ने उसमें कहानी पढ़ी होगी, इस प्रेशर पर कड़कड़ाहट के साथ में आती है, कहीं चमक दिखती है, फैराडेज डार्क प्लेस, क्रूक्स डार्क प्लेस, इस तरह की चीजें बहुत सारी है। तो आखिर में उसने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते, ये प्रैक्टिकल भी है, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो इसका प्रैक्टिकल भी करोगे, या कभी इधर घूम जाती है कभी इधर घूम जाती है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाऊं या यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाऊं। तो यहां से उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की और साथ में एक और चीज बताई उसने, ई बाई एम, चार्ज और मास का रेशियो, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज और मास का रेशियो भी उसने फाइंड किया। ठीक है, तो ये सारा जब वो वर्क कर रहा था उस समय उसने क्या किया, बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ऐसे करके डिस्क्रीट पार्टिकल से चलते रहते हैं, और इन सबको सोच करके उसने एक मॉडल बनाया। उसने कहा कि भाई एटम कुछ भी नहीं है, एक पॉजिटिव क्लाउड है, एक पॉजिटिव क्लाउड है। पॉजिटिव क्लाउड में आपको क्लाउड का मतलब समझाओ, आप जब फैन चलाते हो फुल स्पीड पर तो आपको ब्लेड्स नजर नहीं आती है, जब फुल स्पीड पर फैन चलाते हैं तो एक हमें एक अभ्र सा नजर आता है, एक क्लाउड सा नजर आता है, क्लाउड सा नजर आता है। तो उसने कहा कि इस तरह से ये एक क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्लेड्स की तरह है, और वो इतना तेजी से चलते रहते हैं कि वो हमें इनको फुर्सत ही नहीं मिलती एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। तो थॉमसन केवल दो बातें बताई, थॉमसन की अगर मैं बात करूं तो उसने केवल दो बातें बताई, क्या क्या बातें बताई देखो। एक बात उसने बताया कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पहली बात तो थॉमसन ने यह बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझ गया, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में आगे जाकर के बोल दिया उसने पॉजिटिव चार्ज को नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने केवल दो जानकारी दे पाया केवल, और कुछ भी ये नहीं बता पाया। इससे पूछा कि आपकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या, उसने भैया मेरे को स्टेबिलिटी का पता नहीं है, मैं इतना जानता हूं कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से मोशन करते रहते हैं कि इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे वो तरबूज होता है, तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं तरबूज के, वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बाकी का जो लाल लाल है वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन है। एक और नाम दिया था इसका प्लम पुडिंग मॉडल करके, पुडिंग एक मिठाई आती है ग्रीक में, तो उसमें बताया जैसे हमारे नुक्ति का लड्डू होता है, वो लड्डू जैसे उन्होंने बताया कि प्रोटॉन लड्डू हैं और उसमें कहीं कहीं जो इलायची के दाने हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इतना सा ये बता पाया, इससे ज्यादा इसके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन हाँ, पहली बार किसी ने बताया तो इसकी बात तो बहुत सारा गया कि हाँ नहीं यार थॉमसन अंकल आपने बहुत अच्छा काम किया है, और इसके आधार पर देखो उसने इसी से फिर यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, ई बाई एम भी कर दिया। ये बहुत पुरानी बात है, ये हमारी 18th century के बाद की बातें हैं सारी सारी। तो ये थॉमसन का मॉडल था जिसको हमने बोला था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, लेकिन ये स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाया, स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, और इसका मॉडल को फिर आगे जा करके फेल कर दिया गया कि इसका मॉडल सही नहीं है। हालांकि इसने जो दिया ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है थॉमसन की, पहली बात उसने बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और दूसरी बात बताया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसलिए जो समझा पाया वो केवल स्केटरिंग समझा पाया, थोड़ी सी स्केटरिंग, और दूसरा ये और कुछ भी नहीं समझा पाया। उसके बाद में फिर इसके बाद एक और आया, उसका नाम था रदरफोर्ड, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की इस बार। तब तक रेडियो एक्टिविटी की बहुत सारी बातें आ चुकी थी। उसने रदरफोर्ड ने क्या किया, मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, आप सबको याद है मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं। रदरफोर्ड ने किया क्या, एक गोल्डन फॉइल ली,
हमारे दिमाग में आता है सर गोल्डन फॉइली क्यों ली? एक तो गोल्डन का जेड है मेरे ख्याल से 79 होता है ना शायद, कौन बच्चा बताएगा गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का जेड क्या होता है? संगम केंद्रे जेड गोल्ड का, केमिस्ट्री वालों रट्टा रट्टाना नहीं सिखाया एक पीरियोडिक टेबल, गोल्ड कहाँ आता है? मेरे ख्याल से 79 है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आप देख, ठीक है। गोल्ड 79 का मतलब हो गया इसमें 79 प्रोटोन है, 79 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हेवी न्यूक्लियस, इसको ऐसे जो होते हैं उसको बोलते हैं हेवी न्यूक्लियस, ठीक है भाई। चलो तो ये एक गोल्डन फॉइल ली उसने और यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है यहां पर, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से उसने क्या किया, इधर एक नेगेटिव प्लेट रख दी, पॉजिटिव प्लेट, और इधर रख दी एक नेगेटिव प्लेट। तो इसमें से जो अल्फा बीटा और गामा निकलता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये उसको जो बीटा पार्टिकल्स है उनको तो इधर ला करके रोक दिया, गामा तो चार्जलेस थे, यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आए उन अल्फा पार्टिकल्स को एक कोलिमीटर में से निकाला और कोलिमीटर से यहां से फिर स्कैटरिंग कराया उसने। तो वो अल्फा पार्टिकल्स आए तो उसने क्या देखा कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो बाहर निकल गए, बहुत सारे पार्टिकल्स तो आए और सीधे जैसे कुछ है ही नहीं, हवा है वो हवा की तरह सारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए। कुछ जो अल्फा पार्टिकल आए वो बहुत लार्ज एंगल पर ऐसे डेविएट हो गए, ऐसे डेविएट हो गए, ये आया और ये ऐसे डेविएट हो गया। कुछ जो अल्फा पार्टिकल है कुछ लार्ज एंगल पर डेविएट हुए, ये कुछ स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, और स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, और स्मॉल एंगल पर डेविएट हुए, ठीक है ना। और कुछ एक पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल देखा उसने कि सीधा आया और वापस आ गया, इधर गया टकरा करके वापस आ गया। तो यहां से उसने दो बातें निकाली दिमाग में, नंबर वन उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहता है। आप मैथमेटिक्स जानते हो, अगर मैं आपको कल कैलकुलेशन समझाऊं तो 10^-15 यानी कि फेमटो, फर्मी भी बोलते हैं इसको, फेमटो भी बोलते हैं, ये है न्यूक्लियस की साइज, 10^-15 साइज किसके, न्यूक्लियस की साइज है, और एटम की साइज है 10^-10 meter। तो 1 femtometer का मतलब 10^-15 और यहां पर 10^-10, ये किसका साइज है, एटम का साइज, ये किसका साइज है, न्यूक्लियस का साइज है। अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या हुआ, देख इन दोनों में क्या फर्क आया, देख 10^-10 / 10^-15, तो ये हो गया 10^+5, 1, 2, 3, 4, 5, देख यूनिट 1, यूनिट 10,000, समझ आ गया, 1,000,000 नहीं 1,00,000 हुआ ना, 100,000, 1,00,000, मतलब जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज का 1,00,000 times है, 1,00,000 times। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी हम कैलकुलेशन देखें कि अगर इसका जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस अगर वो 1 है तो एटम कितना हो गया, 1,00,000 volt, 1,00,000 centimeter, बहुत बड़ा। इसका मतलब हुआ कि उसने बोला कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली हो गया ना भाई, और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन बेचारे में 1 electron होता है, तो वो 1 electron कहीं एक ऑर्बिट में चल रहा है, वो साइज उसकी इतनी बड़ी है, 1,00,000 times। किसी ने तो ये भी बताया कि अगर हम एटम को एनलार्ज करके जूम करके फुटबॉल के मैदान के बराबर कर दें, तो उस फुटबॉल के मैदान में बीच में फुटबॉल रख दें, उस साइज का न्यूक्लियस होता है, इतने छोटी साइज का न्यूक्लियस होता है। तो नेचुरली रदरफोर्ड ने जो अंदाजा लगाया कि हाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं। अब ये डेविएट क्यों होते हैं, मैं समझाता हूं आपको कि डेविएट कैसे होते हैं। देखो ये तो उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने उससे जो कंक्लूजन निकाला देखो, अगर मान लो मैं जूम कर रहा हूं, ये तो है न्यूक्लियस और ये बहुत बड़ा ये एटम है, ये एटम, ठीक है भाई। यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स ही,
इसका मतलब अल्फा का मतलब टू ई, अल्फा का मतलब क्या होता है बेटा टू ई, देखो अल्फा का मतलब टू एच ई फोर, डाई आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियर को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू टू ए इज इक्वल टू फोर, जेड इज इक्वल टू टू का मतलब हो गया इसमें दो इलेक्ट्रॉन है दो प्रोटोन है, सॉरी हाँ सही है। अब देख तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज आया कितना चार्ज आया अल्फा पर, पॉजिटिव चार्ज टू ई चार्ज हुआ, अब ये टू ई चार्ज है इसका चार्ज कितना हुआ बेटा जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जेड ई, जेड क्या है यहां पर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इससे इतना दूर है तो आएगा आराम से, इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, अरे भाई अट्रैक्शन कौन सा लगना है कूलम अंकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कौन करेगा कूलम करेगा, रिपल्शन कौन करेगा कूलम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब इस न्यूक्लियस से अगर ज्यादा डिस्टेंस पर तो सीधा ही निकल जाएगा, इसको रोकने वाला कौन है, ये सीधा निकल जाएगा कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही ये पास आता जाएगा इसके, तो पास आएगा तो क्या होगा, देखो ये रिपल्सन हो गया, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन हो गया, देखना इसके पास आता जा रहा है और ज्यादा रिपल्सन हो गया, और ये जो बिल्कुल देख यहां पर सेंटर पर आ रहा है, वो बंदूक चलाते ना पर वो बनाते तो गोली कहां लगेगी यहां लगेगी, तो ये जो पार्टिकल जो आ रहा है ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है सीधा इसके यहां पर आ रहा है इस पर सेंटर पर, तो ये क्या करेगा ऐसे करके रिपेल हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से डेविएशन होता है। आपने देखा हो अगर मान लीजिए कैरम बोर्ड पर क्यून रखी है, क्यून को अगर हमें इधर ले जाना है तो अपने इस तरफ मारते हैं, इधर ले जाना है तो इस तरफ मारते हैं, क्यून को सीधी ले जाना है तो बिल्कुल सेंटर में मारते हैं ताकि वो सीधी जाए, कैरम में मारते नहीं मारते, तो वही कहानी है, ये किसी का मैसेज है 79 ही है, अच्छा दिव्या जी है क्या, नमस्ते दिव्या जी, अच्छा ठीक है, तो इस तरह से ये इनका डेविएशन होता है, समझ आ गया सबको क्लियर कहानी। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, द न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10^-15 होती है, और वो इतनी साइज छोटी, इतनी छोटी साइज होती है कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज का 1 lakh टाइम्स होता है, सो दैट वाई द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज फ्रीली, बाहर निकल जाते हैं बिना डेविएशन के बाहर निकल जाते हैं, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के थोड़े करीब आते हैं वो थोड़े से ज्यादा लार्ज से डेविएट हो जाते हैं, और पास आता है तो और छोटे एंगल से, और पास आएगा और छोटे एंगल से, और जो पार्टिकल उसके ठीक इस रेंज में आएंगे, इस रेंज में आएंगे वो देखो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और जो बिल्कुल यार सेंटर की तरफ आएगा वो क्या करेगा वापस कम बैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इससे उसने क्या अंदाजा निकाला कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज भी डेविएट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी करेंगे, डेविएशन कौन देगा अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल डेविएशन देगा न्यूक्लियस, तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द नहीं द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेट एट द कोर ऑफ द एटम, जिसको न्यूक्लियस कहा उसने, कि जो मैक्सिमम जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज कहां है उसके न्यूक्लियस में है, सारा का सारा जो चार्ज है वो न्यूक्लियस में, और ये भी कहा कि मोस्ट ऑफ द मास, द होल चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर और द कोर ऑफ द एटम, दैट कोर इज नोन एज न्यूक्लियस। आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के मास को कंपेयर करूं तो ये 1837 टाइम्स होता है, एक प्रोटोन 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका मतलब अगर मान लो मैं किसकी बात करूं, चलो लिथियम की बात करता हूं, लिथियम का मतलब क्या हो गया 3Li7, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटोन, 3 प्रोटोन कहां है भाई, उसमें न्यूक्लियस में है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन का मास देखूं और 3 प्रोटोन का मास देखूं कितना हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18 = 54, लगभग 5000 नहीं 3 × 18 = 54, हाँ लगभग 6000 हो गया, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1.9×10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करो तो इतना सा हुआ, और प्रोटोन का मास बहुत ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द होल चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एट द कोर एंड नियरली
होल मास, नियरली बोला होल मास, अप्रोक्सीमेटली होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, क्योंकि प्रोटोन का मास ही ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है भाई, मान ली बात, ठीक है। अच्छा, यहां से उसने एक कैलकुलेशन और करी, मैं समझाता हूं आपको, और उस कैलकुलेशन का नाम था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रदरफोर्ड का एक कैलकुलेशन उसने यहां से करके दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन तो थ्योरी में भी आता है नेट में, तो अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये समझो बेटा, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। ठीक, देखो जैसे मान लो ये एटम था, एटम में ये जेड ई था, इधर से कौन आ रहा है, टू ई आ रहा है, एक अल्फा पार्टिकल टू ई आ रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको जबरदस्ती भेज रहे हैं, इसको हमने एनर्जी दी तभी तो इधर गया, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, एनर्जी दी, इस एनर्जी देने के कारण ये आगे जा रहा है, लेकिन यहां पर तो रिपल्सन लग रहा है, ये इधर आना चाह रहा है लेकिन ये इधर नहीं आने देना चाह रहा है, यहां पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, एक ऐसी पोजिशन आएगी कि यहां आते आते इसकी जो एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिपल्सन के कारण कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू स्टॉप, वर्क डन टू रोकने के लिए, किसको, प्रोटॉन, उसको, अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, रिपल्सन चाहिए, तो वर्क डन बाय रिपल्सन फोर्स कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और इसको एक्सीलरेट करने में जो वर्क डन था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां आते आते खत्म हो गई, रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसी एक डिस्टेंस तक आते आते, मान लो एक्स डिस्टेंस है, इस एक्स डिस्टेंस तक आते आते काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, तो जो जहां तक पहुंचा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच, भाई इससे आगे वो न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता। तो क्या हुआ इसका मतलब, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू अल्फा एंड जेड ई, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी याद करो, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, दो सिस्टम ऑफ टू चार्ज की याद है ना, तो के ये तो के ही रहेगा, क्यू वन कितना है भाई टू ई, क्यू वन कितना है टू ई, और क्यू टू कितना है जेड ई डिवाइडेड बाई आर, है ना, आर ले लेता हूं यहां पर क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नोट लिख देता हूं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और या यूं को बोलो कि यहां आते आते खत्म हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, इससे आगे वो नहीं जा सकता है, जब उससे आगे नहीं जाए उसे बोले क्लोजेस्ट, क्लोज का मतलब पास आना, क्लोजेस्ट कम उससे ज्यादा पास, उससे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, उससे ज्यादा पास वो नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे, नीट ने भी पूछे, जेई ने भी पूछे, देखो ध्यान से सुनो क्या क्या हो सकता है यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच का, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के, देखो आर नॉट उधर चला गया, हाफ एम वी स्क्वायर, वो क्या बोलते हैं हमने, काइनेटिक एनर्जी, या आर नॉट इज इक्वल टू टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, अगर मान लो वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है अल्फा पार्टिकल का, या मास तो जानते ही अपन, वेलोसिटी दे रखी है अल्फा पार्टिकल की, तो यहां से क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल देंगे, के अपन जानते हैं, जेड अपन जानते हैं, ई अपन जानते हैं, तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने में क्या दिक्कत है। और अगर बोले कि डायरेक्ट एनर्जी दे दे, 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का पार्टिकल गया, तो हम क्या करेंगे यहां पर सीधा 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे और क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल देंगे। तो राइट डाउन दिस टू फॉर्मूले फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट इज इक्वल टू टू के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के। और मॉडिफाई करना है इस फॉर्मूले को बेटा, और मॉडिफाई कर लेते हैं, लाओ
और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, देख ये जो के है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के की जगह अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो आर नॉट क्या बन जाएगा, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई के। सुंदर दिखाने के लिए कुछ भी फॉर्मूला बना लो, या आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, काटो पीटो कुछ भी कर लो। कहां से आएगा ये कंसेप्ट, कहां से आएगा, यहां से आएगा कि अल्फा पार्टिकल की सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दिस इज द कंसेप्ट। फटाफट नोट कर लो इसको, एक मिनट में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, इसका क्लोजेस्ट अप्रोच का, कि अगर हम कोई किसी एनर्जी का अल्फा पार्टिकल को हम किसी गोल्डन फूल की तरफ भेजेंगे, गोल्डन एटम की तरफ भेजेंगे, तो क्या होगा भाई, क्या होगा उसका, उसको रिपल्सन फोर्स लगेगा, उस रिपल्सन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी इसका मतलब वो खत्म हो गई है, इससे ज्यादा पास वो उसके नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, वो होती K1 K2 / R, K1 की जगह अपन 2E लिख देंगे, K2 की जगह ZE लिख देंगे, R नोट को मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए आपको एप्सिलॉन नॉट वाली कहानी लिखे तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं, दिस इज द आइडिया। An alpha particle is given 5 million electron volt energy, ठीक है, find distance of closest approach towards between गोल्ड एटम एंड अल्फा पार्टिकल। आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताइए। ये लगा दो आर नॉट इज इक्वल टू 2kZe² / E kinetic, ई काइनेटिक भी चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आता है मैंने समझाया था एक दिन आपको, एक दिन क्या अभी पिछले वाले चैप्टर में ही समझाया है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है एक बार नीट में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी पूछा गया है, आर नॉट इज इक्वल टू 2k को लिख दो 9×10⁻¹, जेड को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे जेड को, 79 गोल्डन फॉइल है, ठीक, और ई होता है 1.6, या एक काम करो इसको ई रहने दो चाहो तो, इसको ई स्क्वायर रहने दो, फायदा क्या होगा मैं समझाता हूं आपको, देखो 5 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 5×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो E से E कट जाएगा, लेकिन फिर वोल्टेज कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं नहीं तो कर देता हूं,
तो 5 × 10⁻⁶ × 1.6 × 10⁻⁹9, ठीक है, काट दूं क्या एक ही से ही? बोल, काटूं क्या? काट दूं, एक ही से ई काट दे, चल ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हट गया, एक ई हट गया, तो यहाँ क्या आ गया, 2 × 9 × 10⁹ 79, लेकिन एक ऊपर बच रहा है 1.6 × 10⁻⁹, 5 × 10⁵। इसको सोल्व कर दो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स में कंसेप्ट इजी है, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो भारी पड़ती है थोड़ी सी। देखो यूं भी कर सकते हो आप इसको ना, जैसे 3 × 16 = 48, ये गया ना, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6 = 79, 10⁻⁶ = 9, 19 × 6 = 25 है ना, 16 × 25 − 16 = 5 × 47 × 10⁻⁶, तो ये हो गया बेटा 16, ये हो गया 0.047 picometer, 0.047 picometer। आ गया होगा सबको, कोई खास चीज नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देगा और दूसरा क्या है, उसकी वेलोसिटी दे सकता है, ध्यान रखना। वेलोसिटी देकर के कराएगा तो आप वेलोसिटी वहां पर पुट कर दो और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप निकाल सकते हो। तो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा हमारे दिमाग में आता है। रदरफोर्ड ने बताया, न्यूक्लियस की साइज बता दी उसने, न्यूक्लियस और उसके बीच में डिफरेंस बता दिया कि कितना साइज का होता है। उसने ये बताया कि द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, द होल चार्ज एंड नियरली या अप्रोक्सीमेटली होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन रहते हैं, न्यूट्रॉन की बात चैडविक ने की थी, वो बात की कहानी है, यहां तक उसको इतना ही पता था, ठीक है। उसने अपने एटम के बारे में क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि जो वो एटम, वो तो न्यूक्लियस तो अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, बस। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाया। उससे पूछा कि तेरी स्टेबिलिटी क्या है, उससे पूछा कि स्टेबिलिटी क्या रहेगी एटम की, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा किसी पॉजिटिव के साइकिल में तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा और चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेडिएशन निकालता है। कोई चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या होता है, रेडिएशन निकालता है, तो क्या होगा, धीरे 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 उसका पाथ का रेडियस कम होता जाएगा और अंत में जाकर के इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा और एटम की स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी। तो उसने एम आई बोल दिया कि भाई ऐसा है जी, इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम ही नहीं मिलता है, वो इतना तेज घूमता रहता है कि उसमें कोई न्यूक्लियर अट्रैक्शन वहां पर काम नहीं करता है, इतना बता करके उसे बंद कर दिया, चुप बैठ गया। जब किसी को कुछ नहीं आता है तो वो ऐसे ऐसे करके साइड में हो जाता है, अबे ठीक है देखेंगे आगे। लेकिन फिर भी थॉमसन ने इतना दिया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने इतनी सारी बातें बता दी। एक और बात क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकाला इसका, एटम का कौन सा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो जब स्पेक्ट्रम देखा तो इसके अनुसार, किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, जो स्पेक्ट्रम में कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, तो कहीं भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब जहां भी देखेंगे एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ऐसी काली पट्टी आना चाहिए। लेकिन जब स्पेक्ट्रम निकाला उस समय जो पट्टी आई वो ऐसी लीनियर आई, तो उसने कहा इसका मतलब कि आपका जो एटम हो स्टेबल नहीं है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले हाइड्रोजन लाइक एटम की बात की थी बेचारों ने, इन्होंने ज्यादा में घुसे भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े एटम जैसे आते हैं फिर वहां तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रोटॉन हो जाते हैं, ये लोग बता ही नहीं पाए। हाँ ठीक है बेटा, तो ये एक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया,
दूसरा ये अपना स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, ठीक है, और इन सारी कमियों को फिर दूर किया बोर अंकल ने। बोर आया, बोर ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो चार बातें हो गई, थॉमसन की बातों को इसने आगे बता दिया। थॉमसन ने बोला था कि द एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों चीजें इसने साथ में रखी। साथ में ये बोल दिया, दो चीजें इसने अपनी जोड़ दी कि सेंट्रल पार्ट को हम कोर को क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियस बोलेंगे, जिसमें प्रोटॉन रहेंगे और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया कि ये बहुत तेजी से घूमता है इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा और जब क्लासिकल मैकेनिक्स मैकेनिकल थ्योरी देखी उस समय इसकी कमियां उजागर हो गई, इसकी ड्रॉबैक्स मिल गई, और इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए फिर बोर ने अपना मॉडल दिया जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। हालांकि बोर का मॉडल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो सारी कैलकुलेशन बोर के मॉडल पर बेस्ड करते हैं। तो बोर के मॉडल ने दो बातें नई ऐड कर दी। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है, वो उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर किसी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता है, उसने बताया कि वो उन्हीं ऑर्बिट में रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एक कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी में चक्कर लगा सकता है। एंगुलर मोमेंटम में जानते हैं क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इसने एक अजम्पशन दे दी। दूसरा उसने क्या बोला कि जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल कराता है, ठीक है ना। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, और उस स्टेबल ऑर्बिट में घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे जैसे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये कौन अवेलेबल कराएगा, एफ कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 by R square, ये तो कांस्टेंट है। Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन। Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन। Q2 कौन है, Jd न्यूक्लियस का चार्ज, डिवाइडेड बाय R square। R क्या होगी, इसकी रेडियस। तो इसको अगर हम बोलें तो ये वाला जो फोर्स है वो ये अवेलेबल कराएगा, इसका मतलब mv square upon R is equal to kJd square by R square। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। पहली कमी यहां दूर होगी, स्टेबिलिटी बता दी। उसने ये भी बता दिया कि सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है बेटा। तीसरी बात उसने बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। हर एनर्जी, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एनर्जी लेवल कैसे रहते हैं, तो हर एनर्जी, हर लेवल की एनर्जी जो है वो फिक्स है। उसी में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को नहीं निकालता है, लेकिन अगर वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है तो फिर उसका एनर्जी का लॉस या प्रॉफिट होता है। वो लॉस या प्रॉफिट उन दोनों जो N2- या E2-E1 इज इक्वल टू H𝛎, ये क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो बाद की एनर्जी और पहले की एनर्जी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो H𝛎क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब समझते हो ना, हाँ, स्टेबल है, फिक्स है वो एनर्जी। ये थ्री अजम्पशंस बोर ने दी और उसके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को दूर किया। रदरफोर्ड की दोनों ड्रॉबैक्स यहां से दूर हो गई। उसने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स बता दी कि और ये कुछ निश्चित कक्षाएं होंगी, निश्चित ऑर्बिट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और वहां पर तीन बातें होंगी, वो केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। और तीसरी बात कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी स्टेबल ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी,
बट वेन इट ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट द एनर्जी रिलीज और एनर्जी गेन्ड बाई द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज और दैट क्वांटाइज इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू क्या होती है? फोटोन की एनर्जी. एच न्यू क्या होती है? फोटोन की एनर्जी. ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, चाहे वो रेडियो वेव है, चाहे माइक्रोवेव है, चाहे वो इंफ्रारेड है, विजिबल रीजन है, एक्सरेज है, यूवी अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज है, ये सब क्या है? सब फोटोन है. और इनके जो फोटोन है वो कहां से आते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये फोटोन निकलते हैं. सारे जो रेडिएशन है वो सब एटम से आते हैं. जो यूवी जो अपना जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन के सारे कलर यहीं से सब निकलते हैं. मैं आगे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ उसको, कैसे स्पेक्ट्रम होता है, कैसे अलग अलग रेडिएशन के वो निकलते हैं, उन सब की अपन वेवलेंथ में निकालेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी में निकालेंगे, उनकी एनर्जी में निकालेंगे. तो फिजिक्स आपको मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा बताएगी. और ये मैथमेटिकल पार्ट की बोर की अज्यूम्शंस है, बोर की हाइपोथेसिस है. ये तीन चीजें आप लोग याद करें. कल के लेक्चर में मैं इनके सारे कैलकुलेशन बताऊंगा, रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन और वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, ये सारे बताऊंगा. और कल मैं आपको एनर्जी लेवल भी पढ़ाऊंगा. और उन बच्चों को ही आज का वीडियो तो मैं सारे बच्चों को डाल दूंगा. फिर से मैं बार बार बोलता हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन मुझे नहीं दिखेंगे उनको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेंगे. कोई डाउट है आप मुझे भेजिए, मुझसे बात कीजिए. Right? So that's it for today. Thank you very much for coming. आज इसका शीट भी मैं आज ही भेज दूंगा, थ्योरी भी भेजूंगा और प्रॉब्लम्स भी भेजूंगा.